हे गाइस, आज दोपहर में ट्वीट करके हमें बताया गया कि सीडीएस बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। सीडीएस बिपिन रावत जी तमिलनाडु में ऊटी में एक डिफेंस कॉलेज में लेक्चर देने गए थे। वहीं से वापस लौटते समय कुन्नूर में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, और जिसकी वजह क्या थी ये अभी बता पाना मुश्किल है। क्या मौसम खराब की वजह से ऐसा हुआ है, अभी तक हम इसमें कुछ भी नहीं बता सकते हैं। एक्चुअली ये जो हेलीकॉप्टर था MiG-17V5, ये अत्याधुनिक तकनीक से लैस था, तो टेक्निकल खराबी आना एक इम्पॉसिबल सा लगता है। और उसके अलावा और क्या रीज़न हो सकता है? क्या मौसम उसकी एक बड़ी वजह हो सकती है या फिर कोई और रीज़न हो सकता है? बताया जा रहा था कि इस हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे, बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी और उसके अलावा कुछ सिक्योरिटी मेंबर और कुछ पायलट थे। उन सभी का निधन हो गया है। हेलीकॉप्टर बहुत ही बुरे तरीके से क्रैश हुआ है, और जितने भी शव थे, काफ़ी सारे शव बुरे तरीके से जले हैं, तो बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सा शव किसका है। इसकी पहचान के लिए डीएनए टेस्ट का सहारा लिया जाएगा, जिससे बताया जाएगा कि कौन सा शव किसका है। अभी तक की दुखद खबर ये है कि जनरल बिपिन रावत जी का निधन हो गया है। ये हमारे पहले सीडीएस थे। सीडीएस का पद, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ का पद, हमने पहली बार ही बनाया था, और हमारे पहले सीडीएस जो थे वो जनरल बिपिन रावत जी थे। इवन पूरे देश के लिए बहुत बड़ी दुखद खबर है कि अब जनरल बिपिन रावत जी हमारे साथ नहीं रहे। उनके साथ साथ उनकी पत्नी का भी निधन हो गया है। बहुत ही बड़ी दुखद खबर है। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं।